उसमें भी जो नाम लिया अच्छा था तो उन सब के साथ मतलब काम करने में बहुत अच्छा लगा और बहुत सीखने को मिला। पर एक तरह से मतलब लेकिन आते आपसे एक सवाल मेरा नाज़ भी है अगर आप मुझे इजाजत दे तो। अब आपको इजाजत दे दूँगा जवाब शायद नहीं क्योंकि सवाल वो कुछ ऐसा है कि फिल्म करता है एक डायरेक्टर वो फिल्म से मेहनत से फिल्म बनाता है पैसा खर्च करता है और अगर उसके फिल्म को रोक दिया जाए या उस पर विरोध किया जाए आपको लगता है कि बगैर देखे या बगैर कुछ मतलब जाने उस चीज पर इतना विरोध होना चाहिए या उसे रोक लगानी चाहिए? मैं आपका ये सवाल का जवाब एक ही लफ्ज में दे सकता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सर एक सवाल रात के प्रोग्राम के बारे में पूछ लें। या तो मैं कोई मुझे ऑफर करे या मैं खुद सोच के बनाऊं, ये उम्मीद तो जरूर करूंगा। मतलब बहुत ही स्पेशल फिल्म थी वो, ऐसी फिल्में मतलब मेरा मानना है कि किसी भी एक्टर की जिंदगी में मतलब शायद एक बार आती है, अगर आप बहुत किस्मत वाले हो तो शायद दो बार ऐसी फिल्म आपको मिल जाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मतलब मेरे पहले ही कुछ 5 सालों में एज एन एक्टर आई गॉट टू डू अ फिल्म लाइक भाग मिल्खा भाग, बहुत स्पेशल फिल्म थी। और जैसे आप उम्मीद करती हैं कि ऐसी कोई फिल्म बनी दोबारा, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसी गैदर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बट इट्स अनअवॉइडेबल दोज बटरफ्लाइज दैट हैपन इन द स्टमक। एवरी 82 में जब वो कोई किसी फिल्म पे दुनिया पे काम कर रहे थे कि स्क्रिप्ट पर क्या आप एक ऐसा गाना लिखेंगे, कभी एक लड़की को देखा शायद वो क्या कहते हैं आपसे क्या पता। तो यही है मतलब ये तो ऐसा एक सिचुएशन मिलती है अगर आप किसी फिल्म पर काम करें, एक सिचुएशन मिलती है, एक ऐसा मौका मिलता है किसी एक ऐसे इस तरह के गाने को लिखने का, तो कभी ऐसी अगर सिचुएशन हो और अगर मुझे लगे कि मैं कर पाऊंगा तो ज़रूर कोशिश तो करूंगा। फरहान भाई, एक्टिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, मतलब कंप्लीट कलाकार पूरी तरह से, इन सब में आपको बेस्ट कहाँ पर आपका झुकाव ज़्यादा है? सर मैं सच कहता हूँ मुझे लोगों के साथ मतलब जो मनोरंजन देने का एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो म्यूज़िक के ज़रिए हो, फिल्मों के ज़रिए हो, मतलब उसमें ये बात ज़रूरी नहीं है कि मैं उस फिल्म में एक्ट करूं या उस फिल्म को मैं खुद डायरेक्ट करूं। मतलब ऐसे बहुत फिल्में हैं जो हमने बनाई हैं, जो हमने प्रोड्यूस की हैं, जिसका मतलब मैं सिर्फ एक हिस्सा प्रोड्यूसर के तौर पे, और मैं उन फिल्मों को भी उतना ही अपना मानता हूँ जितना उन फिल्मों को जिनमें मैं खुद हूँ। तो मुझे लोगों के साथ जो कहते हैं एंटरटेन करना, उन्हें उनके साथ एंगेज करना अच्छा लगता है, और यही बस खुशी मिलती है। आपकी पर्सनल लाइफ में और ये अपनी जो आप एक्टिंग में, आप इसमें अपनी फिटनेस को कितना महत्व देते हैं? एक मतलब ये एक ही चीज़ है मुझे लगता है जो आप अपने आप के लिए कर सकते हैं, और फिटनेस सिर्फ फिजिकल फिटनेस की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो एक चीज़ है जो मतलब जो सब देख सकते हैं जब आप करते हैं, लेकिन उसके अलावा जब आप किताबें पढ़ते हैं, जब आप दुनिया की सैर करते हैं या ऐसे ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पहले कभी नहीं गए, तो आपके मतलब जो दिमाग को भी एक एक्सरसाइज मिलनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है सिर्फ फिजिकल फिटनेस का। What fuels your passion to take such a long life tour? Itna lamba jo aap kar rahe hain? I think like I just mentioned to him, I enjoy music. I enjoy playing music. I feel very fortunate that the music that we've done in our films over the last 15-16 years, people remember very fondly. So to go and share that enjoyment and that passion of it with them in person, as opposed to them just listening to it. Earlier it used to be on a tape, then it became a CD, now it's streaming. It just feels very nice. I feel very happy to see those smiling faces when I'm out performing. And those smiling faces and that happiness and that joy is really what makes me feel like I want to go to one more place. If you feel nervous before going on stage, what is that one thing that soothes you or calms you? I must say that I feel nervous every single time before I go on to stage. And I feel that it's healthy to feel nervous when you're doing something. It's not, I mean, although it may feel like, okay, you're doing it over and over again, but every single performance is a new performance because it's a new audience, you know, so it's never the same. And it's just about focusing very, very strongly on how you want to start the concert off. Because once you get that, I feel, at least in my case, I can speak. When I feel like I've got that right, then everything else just kind of flows. ये मतलब शुक्रिया जो आप कह रही हैं, मतलब हमारे खानदान में है, सब परिवार में है, दोनों तरफ से मेरी माँ जो है वो भी राइटर है, तो ये तो है ही, लेकिन मैं मतलब पिछले कुछ सिर्फ एक बात का अफसोस है कि शायद मुझे अपना विकी पेज थोड़ा अपडेट करना पड़े,
उस पर आपको शायद पता चल जाए कि मैं मतलब बहुत सालों से लिख भी रहा हूँ. तो वो है कि मतलब जो पहली फिल्म थी मेरी दिल चाहता है तब से मैं लिखता आ रहा हूँ. वो फिल्म मैंने लिखी थी, बहुत सारी फिल्म उसके बाद मैंने लिखी भी हैं, डायलॉग लिखे हैं, गाने लिखे हैं, तो ऐसा चल ही रहा है. लेकिन जिस लेवल पर मेरे फादर जो हैं और उनकी जो उनकी फरदादा जो है वो जो जिस लेवल पर उन्होंने राइटिंग की है उसका मतलब अगर मैं आधा भी हिस्सा वहाँ पहुँच सकूँ उस मुकाम तक तो मैं आपको खुश नसीब हूँ. मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आज इंदौर में हूँ. हम पहले भी यहाँ पर आकर एक बार हमने परफॉर्मेंस किया है फरहान लाइफ के साथ, तो ये दूसरा मौका हमें मिला है. तो फिर लोग हमें बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें यहाँ पर उन्होंने ये इस टूर का इस साल इस हिस्सा बनाया है. उम्मीद करूँगा कि जैसे जैसे साल और भी साल बढ़े कि पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल.